हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कुछ कॉमन हाउस प्लांट्स विद नेम्स। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है कॉमन हाउस प्लांट्स विद नेम्स। उसमें मैं डिफरेंट हाउस जो मेरे गार्डन के प्लांट्स हैं उनके विद नेम स्क्रीन पे नेम देके और उनका उनके बारे में आपको दिखाती हूँ वो प्लांट्स। तो उससे क्या होता है कि कभी आपको कोई प्लांट नर्सरी से आप लेके आए तो कॉमन हाउस प्लांट्स विद नेम्स वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको उसका नाम दिख जाएगा उसमें। या फिर अगर आपको वो कॉमन हाउस प्लांट्स विद नेम्स वाली प्लेलिस्ट देखें तो उसमें आपको प्लांट्स के नाम पता चलेंगे और आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से पौधे उनमें से चाहिए। कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैंने प्लेलिस्ट में 3-4 वीडियोस पहले डाली हुई हैं, तो उसके कंटिन्यूशन में जो मेरे नए प्लांट्स आए हैं मेरे गार्डन में उनकी मैं स्क्रीन पे आपको नाम देते हुए और लिस्ट आज फिर देती हूँ कुछ प्लांट्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम खूबसूरत से इंडोर प्लांट से। शुरुआत करती हूँ मैं और ये देखिए इंडोर लगाने के लिए बहुत प्यारा प्लांट है और ये स्मॉल ट्री बन जाता है। वैसे ग्राउंड में लगाओ तो ये बहुत बड़ा ट्री भी बन जाता है। इसका नाम है रेडर मचेरा और इसकी पत्तियों की शाइन देखिए आप, बहुत खूबसूरत लगता है जब आप इंडोर लगाते हैं इसको किसी कोने में अपने घर के, तो बहुत खूबसूरत लगता है। अब मेरे को इसको रिपॉट करना है, नए पॉट में डालूंगी इसको, तो बड़े पॉट में डालूंगी मैं, मतलब लगाऊंगी, शिफ्ट करूंगी तो और खूबसूरत लगेगा ये। तो ये प्लांट है रेडर मचेरा और ये देखिए ये है फिडल लीफ फिग। ये देखिए फिडल लीफ फिग, ये भी इंडोर के लिए बहुत प्यारा प्लांट है और अगर आउटडोर में भी आपको रखना है तो इसको ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ छाया रहती हो और धूप वूप नहीं आती हो, उस जगह ये अच्छा ग्रो करता है। इसको मैंने कटिंग से भी लगाया है और मैं इस पर भी जल्दी वीडियो डालूंगी कि इसको कटिंग से कैसे लगाएं। ये प्लांट वैसे आजकल बहुत मिलने लग गया है, बीच में जब मैं लाई थी उस टाइम ये हर नर्सरी में मिलता नहीं था, आजकल तो ये बहुत मिलने लग गया है और बड़ा कॉमन प्लांट है, खूबसूरत लगता है अगर आप इंडोर में इसको लगाना चाहें, ऊंचा और चला जाता है बहुत। इसकी पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत शाइनी होती हैं। ये देखिए ये अम्ब्रेला पाम है। ये जो प्लांट है ये पानी में भी लग जाता है और अगर आप इसको बिल्कुल पानी में लगाएं ना, एक किसी बर्तन में पानी लेके और उसमें ही इसको खाली लगा दें, पेंदे में हल्की सी मिट्टी उसमें डाल के, और बहुत अच्छा चलता है, इसको पानी ज़्यादा चाहिए। ये भी छाया में या इंडोर भी चल जाता है, अच्छा पौधा है ये। ये देखिए इसको ब्लैक टर्टल वाइन भी कहते हैं और कैलेशिया रिपेंस भी इसका नाम है। ये बड़ा इजी टू ग्रो प्लांट है, एक बार आप ले आओ तो बस फिर आपके गार्डन में से ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये पौधा हमेशा चलता है। जैसे टर्टल वाइन होती है वैसे ये भी चलता है और देखिए हैंगिंग बास्केट में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ये कैलेथिया है। बस कैलेथिया को क्या होता है, बिल्कुल भी अपने चारों तरफ मॉइस्ट और ठंडा एटमॉस्फेयर शेड चाहिए होता है, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ी सी धूप आती है, कितना भी बचाऊँ शाम के टाइम थोड़ी गर्मी और धूप लगती है इसको, तो इसलिए थोड़ा सा डल है, लेकिन देखिए चल रहा है ये अच्छा पौधा। इसको कहते हैं रेड कैलेथिया। कैलेथिया बहुत खूबसूरत पौधे होते हैं, इनकी शेड बहुत प्यारा होता है पत्तों का, लेकिन इनको छाया, एक देखिए ये कैलेथिया की वैरायटी है, इसका नाम मुझे मिलेगा तो स्क्रीन पर डालती हूँ, नहीं तो आप कैलेथिया कह के ही ऐसा पौधा ले सकते हैं। शायद ये कैलेथिया पिंस टाइप है और वैसे पक्का नाम मैं इसका कोशिश करूँगी ढूंढ के स्क्रीन पर डालूँ, अगर नहीं है तो आप कैलेथिया नाम से भी ऐसा पौधा लेना चाहें, और अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो में से भी क्लिप दिखा के ले सकते हैं, कैलेथिया कह के नर्सरी से आप मांग सकते हैं। और ये देखिए ये है एलोकेशिया ब्लैक वेलवेट, देखिए कितना खूबसूरत पौधा है ये, इसके नीचे बल्ब्स होते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है ये पौधा, इसकी बड़ा हो जाएगा तो ये और भी सुंदर लगेगा, ये अभी छोटा पौधा है मेरे पास ये। और ये देखिए इसको जब हम टच करते हैं तो इसका वेलवेट जैसा टेक्सचर है, इसलिए इसको इसका ये नाम दिया गया है। और फिर ये देखिए ये है, ये फाइलोडेंड्रॉन है, फाइलोडेंड्रॉन सेलम नियॉन है ये,
जिसको बाइपिनेट कहते हैं फाइलोडेंड्रॉन, उसका नियॉन कलर में है। ये देखिए, ये भी पौधा अभी छोटा ही है, देखिए रिपोर्ट किया हुआ है, तो अभी नए पत्ते इसके देखिए निकलने शुरू हो रहे हैं। ये ड्वार्फ वाली वैरायटी है उसकी। ये देखिए, ये है फाइलोडेंड्रॉन बिरकिन। इसकी पत्तियों में इस तरह से ये लाइनें आती हैं, देखिए जैसे जैसे ये बड़ा होगा नई पत्तियां निकलेंगी, इस तरह की लाइनें और क्लियर आती जाएंगी इसमें, और बड़ा खूबसूरत फाइलोडेंड्रॉन लगता है ये, और बड़ा इजी टू ग्रो फाइलोडेंड्रॉन है ये। इंडोर में बहुत अच्छा चलेगा, खूबसूरत लगता है आप सिरेमिक पॉट्स में ऐसे लगाएं। ये देखिए इसकी जो नई पत्ती आई है, दिख रही है आपको, इसमें शुरू से ही देखिए अभी से वेरिगेशन आ रहा है, बहुत खूबसूरत पौधा लगता है ये। ये देखिए, ये है फाइलोडेंड्रॉन लाइम लेमन। देखिए कितना प्यारा है और कितनी बड़ी बड़ी इसकी पत्तियां हैं। बस फाइलोडेंड्रॉन्स जो भी हैं, कैलेथिया और फाइलोडेंड्रॉन्स, इनको आपको छाया में रखना है या इंडोर रखना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको इंडोर के लिए पौधा चाहिए या ऐसी जगह के लिए चाहिए जहाँ छाया रहती है आपके, तो जो मैंने आपको ये कैलेथिया दिखाए हैं और फाइलोडेंड्रॉन दिखाए हैं, उसके लिए ये बेस्ट चॉइस है। और एक ये फाइलोडेंड्रॉन है, देखिए प्लूटो, फाइलोडेंड्रॉन प्लूटो। ये देखिए इसकी पत्तियाँ जैसे जैसे बड़ा होगा ना, थोड़ी और बड़ी होती हैं इसकी पत्तियाँ, तो ये भी बहुत खूबसूरत पौधा है अगर आपको इंडोर्स में लगाना है। ये देखिए, ये पौधा है टेक्सस सेज। इसमें पर्पल कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर खिलते हैं और ये फुल धूप में चलता है आपके, बहुत अच्छी तरह ये धूप में चलेगा। और अगर धूप में लगाना है और आपको फ्लावर्स चाहिए तो ये बहुत खूबसूरत पौधा है, बिल्कुल भर जाता है। मैं आपको इसकी क्लिप फोटो डाल दूंगी। इसमें क्या है, एक स्पेल आता है फ्लावर्स का, फिर थोड़े थोड़े दिनों बाद आता है, इसलिए ये अभी इसमें फ्लावर्स नहीं है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है, जो ये जो है हमारा जो है मेपल ट्री जैसा लगता है। ये देखिए ये पौधा बहुत खूबसूरत पौधा है, इसको कहते हैं क्रैनबेरी हिबिस्कस। इसमें रेड कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन मुझे तो इसकी पत्तियों का कलर ही बहुत खूबसूरत लगता है। और इस साइड से अगर इसको देखें तो इधर से अच्छा व्यू आएगा। देखिए प्लांट कितना बड़ा और इजी टू ग्रो है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी मैंने नीचे कटिंग्स भी लगाई थी। देखिए ये कटिंग चली नहीं, और वो पीछे दो जो कटिंग दिख रही हैं, ये कटिंग्स इसकी लग गई हैं। तो ये पौधा कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है, और खूबसूरत पौधा है ये, आप ज़रूर लाएँ अगर कभी भी नर्सरी में आपको मिले। किसी के यहाँ लगा हुआ दिखे तो कटिंग ला के लगा सकते हैं आप। ये देखिए, ये एकेलिफा की एक वैरायटी है, इसे कैट स्टेल कहते हैं, एकेलिफा कैट स्टेल शायद फुल नेम, कैट स्टेल तो मुझे याद है, एग्जैक्ट नेम मैं स्क्रीन पे देती हूँ आपको। देखिए इसमें इस तरह के रेड कलर के, ये देखिए टेल, कैट की टेल जैसे ये फ्लावर्स आते हैं, ये देखिए इनफ्लोरिसेंस, और बहुत खूबसूरत लगता है ये ऐसे, और बड़ा ईजी टू ग्रो, एक काइंड ऑफ हार्डी प्लांट है ये, इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। धूप चाहिए होती है इसको हाफ डे की, और फिर ये इसमें ये जो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो जब इसमें फ्लावर आते हैं पूरा पौधा फूलों से भर जाता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको खूब सारे पौधों के नाम बता दिए हैं, और भी बहुत से प्लांट्स हैं, तो उनकी मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बना देती हूँ एक और। और इसका प्लेलिस्ट जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वो प्लेलिस्ट में जितने भी मैंने प्लांट्स आज तक डाले हुए हैं। कई बार हम लोगों को बड़ा शौक होता है और प्लांट का नाम ही नहीं पता होता, तो उस चीज़ से बचाने के लिए मैंने आपके लिए ये शुरू किया था बनाना, और बीच में का थोड़ा गैप पड़ गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।